हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं और मैथ में आपको हम पढ़ाएंगे लाभ और हानि। लाभ हानि का अगला वीडियो में हम पढ़ाए थे, सिर्फ सूत्र बताए थे, तो आज हम पूरा SDRO बुक से हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो आज हम आपको जो बताएंगे तो क्वेश्चन बताएंगे, और कुछ लड़के बोल रहे थे समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आज आपको हम हिंदी में लिख के बताएंगे और आपको क्लियर बताएंगे। ऐसा बताएंगे कि आपको मतलब मैथ का जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होगा। और मैथ हम जो पढ़ाते हैं SDRO बुक है उससे हम आपको पढ़ाते हैं, और SDRO का बुक टोटल है, हम ऑनलाइन टोटल करवाएंगे। और अभी हम तत्काल कॉपी पे बता रहे हैं, कि एक महीना बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो हम आपको बोर्ड पर बताना शुरू कर देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, शेयर कीजिए मेरा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक वस्तु को 500 में खरीद कर 600 में बेच दी गई तो कुल लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य पता करेंगे, विक्रय मूल्य पता करेंगे, उसके बाद लाभ निकालेंगे और उसके बाद लाभ प्रतिशत के सूत्र बिठा के लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बोला था कि 500 में खरीद कर, 500 खरीद कर और 600 में भी बेच दिया, तो जो खरीदा जाता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं, क्रय मूल्य लिख लिए, क्रय मूल्य लिख लिए, बराबर कितना हो गया 500 हो गया। क्रय मूल्य बराबर 500 हो गया। और विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है, कितना में बेच रहा है, तो 600 में बेच रहा है, तो 600 में बेच रहा है, तो 600 क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो अब बोला है लाभ, कुल लाभ, तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर सूत्र आपका होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य। ये जो विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य है हम शॉर्टकट में लिखे हैं, तो क्या हुआ लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्या है विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है 600, तो यहाँ हम 600 बैठा दिए। अब क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 500, तो आपको 500 बैठा दिए, बराबर कितना आंसर आ गया 100। तो 100 क्या निकल गया, ये लाभ निकल गया, 100 है आपका लाभ निकल गया आंसर। फिर बोला है 11 लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या बोला है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत का भी सूत्र लिखेंगे, है ना, लाभ प्रतिशत का भी सूत्र लिखेंगे। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, तो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। तो कुछ नहीं, लाभ बराबर कितना निकला 100, तो 100 बैठा देंगे, क्या करेंगे 100 बैठा देंगे, क्रय मूल्य कितना था 500, 500 बिठा दिए, गुने कितना था 100, 100 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, 00 से 00 कट गया, अब 5 से इससे भागा देते हैं, 5 × 10 10 उतर गया, यानी लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया आपका 20% आंसर, कितना हो गया आपका आंसर 20% आपका हो गया आंसर। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, है ना, तो इसके एक बार हम, तो क्वेश्चन क्या है, 200 की लागत से तैयार वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर कितना प्रतिशत हानि होती है। 200 की लागत से तैयार यानी 200 हो गया क्रय मूल्य, और 100 रुपया बेचने पर यानी बेचना कहाँ है तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 100 रुपया, तो क्या निकालना है हमको, तो प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि का हम सूत्र बिठा देंगे तो निकल जाएगा, तो प्रतिशत हानि बराबर सूत्र क्या होता है, तो ये हम सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। तो हानि निकालना था तो हानि लिखे, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो होता है हानि बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, है ना, ये सूत्र होता है। सबसे पहले हमारा क्रय मूल्य कितना निकला था, क्रय मूल्य निकला था मेरा कितना, तो 200 निकला था,
200 में मतलब खरीद रहा था, और बेच कितना रहा था, विक्रय मूल्य, बेचना होता है विक्रय मूल्य, बेचना क्या होता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना था 100 रुपया, विक्रय मूल्य कितना था 100 रुपया। सबसे पहले हम हानि निकालेंगे, क्योंकि सूत्र में हानि रहता है, तो हानि बराबर सूत्र क्या होता है, हानि बराबर सूत्र होता है इसमें क्रय मूल्य, तो ये लाभ में होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अगर हानि में क्या होता है, हानि में विक्रय मूल्य छोटा रहता है, इसी कारण क्रय मूल्य बड़ा रहता है, इसी कारण क्रय मूल्य पहले लिखाता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ओके। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य है आपका 200 माइनस, और विक्रय मूल्य कितना है 100, तो बराबर कितना हानि निकल गया, तो 100 रुपया हानि निकल गया आपका 100 रुपया। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या था, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, तो हानि बराबर हम क्या है, तो बैठा देंगे मान, तो हानि बराबर कितना था 100, तो 100 मान बैठा दिए, अब 100 मान बैठा दिए, उसका बाद क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य 200 था, तो 200 और गुने कितना था 100 गुना करना था, क्या हुआ 2 0 से 2 0 कट गया, अब यहाँ पर 2, तो 2 से 100 में काटेंगे केवल 5 बार में, 2 5 10 0 हो गया 50, यानी हानि बराबर हानि प्रतिशत बराबर कितना हो गया 50% आंसर हो गया, हानि बराबर कितना हो गया 50% आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं अगला सवाल में, क्वेश्चन बोला है एक घोड़ा को 20,000 में बेचने पर, बेचने यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 20,000, 25% लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ में बेचा जाता तो, क्या बेचा जाता तो घोड़ा का कितना रुपया में बिकेगा। तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, क्रय मूल्य याद करेंगे, और क्रय मूल्य के बाद उसमें 40% लाभ ये कर देंगे, तो हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं, तो क्या है विक्रय मूल्य बराबर क्या दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 20,000, कितना दिया हुआ है, तो आपको विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 20,000, और क्या बोल रहा है पहले में 20% लाभ हुआ, क्या हुआ 20% लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं ना, तो क्या करेंगे 20,000 क्रय मूल्य यहाँ लिख देते हैं ना, क्रय मूल्य है ना बराबर क्या करते हैं, तो क्या करें 20,000 लिखे, इसमें हम क्या करते हैं कितना बोला था, तो लाभ हुआ था कितना 25%, लाभ हुआ था 25%, तो हम लोग क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, तो क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 100, यानी यहाँ किसका विक्रय मूल्य के मूल्य बैठा है, यहाँ लिखे 100, और यहाँ क्या करेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत का मान कितना था 25, ये 25 ऐड कर देंगे, इस टाइप के लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 20,000 गुने 100 बटा 125 है ना, तो 125 हो गया, तो क्या करेंगे हम आपस में काट देंगे, तो आपस में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 25 5 125 और 25 4 100, 25 5 125 और 25 4 100, और 5 से हम इसको काट देते हैं, तो 5 से इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 से कट जाएगा, तो 5 4 20 हो गया, 5 4 20 हो गया, तो 5 4 20 हो गया आपका, 5 4 20 हो गया, तो कितना 3 × 0 उस पर उतर गया है ना 416,000, यानी इसका जो क्रय मूल्य था कितना था 16,000 रुपया है ना, क्रय मूल्य कितना था 16,000 रुपया। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला था कि यदि उसको 40% लाभ पर बेची जाती, 40% लाभ पर बेची जाती तो वह मूल्य क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, यानी जो नया विक्रय मूल्य को 40% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य नया विक्रय मूल्य क्या होगी, क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो नया विक्रय मूल्य के निकालने के लिए हमको नया विक्रय मूल्य बराबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किराए मूल कितना था, तो किराए मूल निकला था 16,000 है ना। क्या बोला, इतना में 40% लाभ पर बेची जाती है। क्या बोला, 40% लाभ पर, 40% के हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 40 बटा 100 है ना। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 16,000 × 140/100। अब इसको हम लोग काट देंगे, और काट देंगे तो ही हम लोग का आंसर आ जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या करो, देखिए क्या करते हैं, तो इसमें हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, और 14 और 16 को हम लोग गुना कर देते हैं, 14 16 को गुना कर देंगे तो ही आ जाएगा आंसर। तो 14 16 को गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो आएगा 22,400। कितना आएगा आंसर, तो 22,400। यानी 40% लाभ पर इतना रुपया में बेची जाती थी, कितना रुपया में बेची जाती थी, इतना रुपया में। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं किया था, क्वेश्चन बोला था देखिए 20,000 में घोड़ा का मतलब बेचने पर 25% लाभ होता था, 20 रुपये में बेचने पर, बेचने के बाद बोल रहा है इसके विक्रय मूल्य हो गया, और कितना 25% लाभ होता था, इसी कारण हो गया बराबर 25%। अब क्या फिर था, तो किराया मूल्य हमको निकालना था, तो किराया मूल्य निकालने के लिए क्या होता है, जैसे 20,000 निकल गया, और जितना लाभ हुआ, जैसे 25% लाभ हुआ, तो उल्टा हो जाता है ना, तो 100 हो जाता है, परसेंटेज वाला 100 ऊपर चल जाता है, और नीचे 100 + 25 लाभ है ना, तो 100 प्लस, यही हानि रहता, दोनों में घट जाता, 100 + 25 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ, 20,000 × 100/125। अब हम आपस में कर दिए तो 25 × 100 = 125, और फिर 5 इसको काट दिए 4,000 × 400 = 16,000, यानी किराए मूल्य कितना निकल गया, तो 16,000। अब 16,000 में फिर क्वेश्चन बोला था कि 40% लाभ पर बेचने पर किराया अति विक्रय मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बोला था, ये कहो 40% पर बेची जाती, 40% लाभ पर बेची जाती, तो वह मतलब घोड़ा बिका हुआ मूल्य क्या है, बिका हुआ मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है ना, तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाता, तो 16,000 × तो ये लाभ रहता है तो क्या होता है, आपस में जुट जाता है, और हानि रहता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। आप लोग को दिक्कत होता होगा तो पार्ट वन हम वीडियो बनाए हैं मैथ का, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या किए हम, इसको है जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो कितना आया, तो 16,000 × 140/100। अब हम आपस में काट दिए, कितना बच गया यहाँ, 160 × 140, तो दोनों को गुना किए तो आया 224, मतलब 22,400 रुपया में बेचा था, तो यही हो गया आपका आंसर। अब हम लोग आते हैं अगला सवाल में, तो क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेचा, तो उसको कितना रुपया में बेचता कि 10% हानि होता है ना, हानि होता। तो देखिए पहला पॉइंट कि जो 15,000 दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य है, कब, तो वो 35% लाभ पर किसी वस्तु को बेचता है तो 15,000 रुपया प्राप्त होता है, तो उसे 10% हानि पर मतलब बेचने पर, तो क्या है, सबसे पहले हम किराए मूल्य निकालेंगे, तो हम किराए मूल्य के लिए यक्ष मान के बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। था विक्रय मूल्य दिया हुआ था, हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन बताते हैं, पहला बात की हम मानते हैं किराया मूल्य यक्ष माने, किराया मूल्य क्या माने, यक्ष माने, तो यक्ष माने, तो यक्ष का कितना 35%, तो इसको हम लिख सकते हैं 135/100। हम बोले थे लाभ होता है 100 में जुड़ जाता है, लाभ होता है 100 में जुड़ जाता है, उधर हम आपको लॉन्ग कट में बताया कराओ, हम आपको शॉर्ट कट में बताएंगे, तो 100 + 35 हो गया, 100 + 35 हो गया, यह कैसे हुआ, क्योंकि 35% लाभ हो रहा था, इसको हम माने किराया मूल्य, किराया मूल्य यक्ष माने, तो यक्ष का 35% लाभ हो रहा था, कितना 100 + 35 है ना बटा 100, और कितना फिर विक्रय मूल्य हो जा रहा था, तो कितना 15,000 हम पुट कर दिए, ये था क्या था मेरा किराया मूल्य। अब किराया मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो किराया मूल्य बराबर हो जाएगा, इधर है क्या है, इधर है ये है आपका भागा में, इधर चला जाएगा गुना में, गुना में तो इधर भागा में चला जाएगा, और ऐसे सेम टू सेम रहता है, गुना रहता है क्या होता है, आपस में कटता है, आपस में क्या होता है, कट जाता है। तो हम सबसे पहले काटते हैं, अरे ये कर लेते हैं, बटा कर लेते हैं, तो हम वापस में काटते हैं, तो काटने से पहले हम काटते हैं 15 × 9 = 135 होता है, 15 × 9 = 135 होता है, यानी यहाँ कट गया, क्या हो गया 1,000 हो गया।
अब क्या होगा, ये इसमें गुना हो जाएगा और बटा जाएगा 9, यानी 1000 है ना, बट्टा 9, ये आ गया। तो फिर क्वेश्चन मतलब ये क्राइम मोड निकला, तो हमको घबराना नहीं है, फिर काटना नहीं है, इसको रहने देना। और हमको क्या बोला है कि 10% हानि पर बेचता तो क्या होता, क्वेश्चन नहीं बोला है 10% हानि पर बेचता क्या होता। तो हानि के लिए हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे विक्रय मूल्य बराबर, गुना कर देंगे। तो ये क्या क्राइम मूल्य निकला था, है ना, ये क्राइम मूल्य निकला था, क्राइम मूल्य निकला था। तो अब हम क्राय मूल्य तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 10% हानि हुए, तो क्या होगा इसमें गुना हो जाएगा, कितना 10% हानि हुआ, तो 100 में 10 का हो जाएगा, घट जाएगा, है ना, 10 घट जाएगा, कितना हो गया, तो हो जाएगा यहाँ लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, है ना, एक सुना गलती लिख दिए थे हम इसमें, 5 को सुना होगा ना, टोटल 5 को सुना होगा, तो 5 को सुना होगा बटा 9 गुने कितना हो गया 90/100, है ना। तो क्या हुआ, 9 से 9 कट गया यानी 10 हो गया, और 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी आंसर कितना आ गया कि 10% हानि पर बेचता तो कितना रुपये में बेचता, तो 10,000 में बेचता, कितना में, तो 10,000 में बेचता। तो क्वेश्चन क्या बोला था एक बार हम समझा देते हैं, क्वेश्चन बोला था कि एक गाड़ी को, है ना, एक गाड़ी को क्या बोला कि 35% लाभ पर, है ना, 35% लाभ पर 15,000 में बेचता है, तो 15,000 क्या है, तो विक्रय मूल्य है, तो हम क्या माने किराया मूल्य, और किराया मूल्य का ही ना 35% लाभ पर, तो 100 प्लस हो जाता है, लाभ बोलता है 100 प्लस हो जाता है, 100 + 35/100, है ना, बराबर कितना 15,000। तो हम क्या किया, आपस में काट दिए, तो 15 से काटेंगे तो 15 × 9 = 135, और 15 × 1 = 15 यानी 1000/100 आ गया, है ना, 100 के 100 रहने दिए, क्या यह भागा में तो गुना लीजिए, जो गुना में है फिर भागा ले आए, यहाँ हम गलती लिखे थे पहले, तो अभी मतलब है 5 × 0 होगा, यानी 100,000/9 आ गया, है ना, 100,000/9 आ गया। हमको कोई घबराना नहीं, कोई दशमलव वगैरह में काटना नहीं है, हमको सिर्फ छोड़ देना, क्योंकि वो ऑटोमेटिक कट ही जाएगा, है ना, क्वेश्चन बोला ही बोला है वैसा कट ही जाएगा। तो अब देखिए क्या बोला था कि 10% मतलब 10% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, यही ना क्वेश्चन बोला था कि 10% हानि में बेचते तो विक्रय मूल्य क्या होगा, हानि कभी भी रहता है तो माइनस होता है, यानी 90/100, तो 90/100 तो यहाँ हम फ्रेस से लिख दिए, यानी 100,000/9 गुने 90/100, तो क्या हुआ 1 0 से 1 0 कट गया, अब 1 0 से 1 0 कट गया, यह 9 × 9 कट गया, तो यहाँ का बच गया 10,000, यानी 10% हानि पर बेचता तो कितना रुपये में बेचता, तो 10,000 में बेचता। थैंक्स फ्रेंड, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपको पर डे एक एक वीडियो आपको हम देंगे मैथ का, और आप लोग देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड।